दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 14 सितंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून पर जो आज हमने भारत सरकार को मेमोरेंडम दिया है उस पर अपडेट देने के लिए साथ में हेलो टैक्सी पर एक अपडेट है, गोवे पर है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड पर है और पीएसीएल, सहारा, आदर्श, स्ट्रीट हॉक्स, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, श्योरगेन और ये जितनी भी हैं इस तरह की ठग कंपनीज, ठग सोसाइटीज, ठग कॉरपोरेशन, उन सभी के संदर्भ में एक विशेष बात भी आप तमाम साथियों को बतानी है। तो दोस्तों आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमने जंतर मंतर जाकर के सत्याग्रह के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा बाया पार्लियामेंट पुलिस और इसमें कई सारे साथियों ने हिस्सा लिया। पीएसीएल के साथी थे, कल्प तरु के साथी थे, साई प्रॉपर्टीज के साथी थे, अपना राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथी थे और बाइक बोट वाले तो थे ही। तो हम तमाम साथियों ने मिलकर के आज जंतर मंतर से पुलिस के मार्फत ये ज्ञापन सौंपा और जैसा कि आप सबको मैं आमतौर पर बताता रहता हूं कि हमारी अब जो एक सूत्रीय मांग है सरकार से वो यही है कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को जल्दी से जल्दी देश भर में लागू करे। इसके तहत स्पेशल अथॉरिटीज का, स्पेशल कोर्ट्स का स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करे ताकि हमारे जो 20 करोड़ पीड़ित भाई बहन हैं ठगी स्कैम्स के, उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम उन्हें जल्दी से जल्दी वापस मिले और वो अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि पर ध्यान दे सके। दोस्तों ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लेकर हालांकि हम पिछले कई साल से प्रयासरत हैं इस कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं और 2019 में तो बाकायदा एक एक्ट पास कर ही दिया था पार्लियामेंट ने, जैसा कि आप सबको पता है जुलाई में, और 2019 के फरवरी में सरकार इस पर अध्यादेश ले आई थी। लेकिन बड़ी दुखद पहलू यह है कि आज तक इस एक्ट के तहत न कहीं सक्षम प्राधिकरण का गठन किया गया है, न कोई सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है, न कहीं स्पेशल कोर्ट्स बनी है और न कहीं स्पीडी ट्रायल हुआ है और न किसी विक्टिम का कोई पैसा वापस किया गया है। जबकि ये कानून अनिवार्य रूप से सरकार को बाउंड करता है कि सरकार 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करवाकर ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करेगी। ये हम तमाम लोगों के लिए दुख का विषय है और इसी को लेकर के आजकल हम संघर्ष कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो और इस कानून को लागू करवाने के लिए हमने बाकायदा ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन का गठन किया है। आप तमाम साथी चाहे बाइक बोट से हैं, हेलो टैक्सी से हैं, टॉप राइड से हैं, स्ट्रीट हॉक से हैं, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड से हैं, ब्लू फॉक्स मोशन से हैं, फ्यूचर मेकर से हैं, साइंस सिटी से हैं, श्योरगेन से हैं, बाइक वो हेलो राइड से हैं, गोवे से हैं, गो बाइक से हैं, गो राइड से हैं या किसी अन्य कंपनी से हैं, चाहे पीएसीएल वाले हों, सहारा वाले हों, आदर्श वाले हों, नवजीवन, संजीवन, उन तमाम साथियों को हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहिए जिन लोगों के साथ कहीं भी किसी ने भी ठगी की है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है। क्योंकि ये बड़ा मिशन है, बड़ा काम है दोस्तों, सरल काम नहीं है कि देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाना, उनकी मेहनत की
कमाई को उन्हें वापस दिलवाना जो ठगों ने लूट ली है, हड़प ली है, और इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना होगा। क्योंकि आज जो हमारा वार्तालाप हुआ मेमोरेंडम देने के बाद लगभग 1.5-2 घंटे हम लोगों ने समन्वय समिति की बैठक की और उस पर चर्चा की, और मैंने प्रस्ताव रखा है कि जो PACL से हमारे साथी हैं गौतम जी मथुरा उत्तर प्रदेश से, वो इन तमाम कंपनियों के पीड़ितों के साथ समन्वयक की भूमिका निभाएंगे और कोऑर्डिनेशन करके 1 जनवरी 2022 का जो हमारा सत्याग्रह है राष्ट्रव्यापी, इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो तमाम कंपनीज के, सोसाइटीज के ठगी पीड़ितों के साथ संबंध स्थापित करेंगे, संपर्क स्थापित करेंगे और तमाम साथियों को ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जोड़ेंगे। और उम्मीद है कि यदि तमाम साथी जुड़ जाते हैं तो हम इस कानून को लागू करवाने में सफल हो जाएंगे। और यदि ये कानून लागू हो जाता है तो 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप तमाम साथियों की मेहनत की कमाई जो डूब चुकी है किसी न किसी ठग कंपनी में, किसी न किसी ठग कॉरपोरेशन में, किसी न किसी ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो आप तमाम साथियों को सरलता पूर्वक आसानी से वापस मिल जाएगी। आपको बहुत सारी जगहों पर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। दोस्तों, हमारी मीटिंग समाप्ति के बाद, चूंकि जहां हम बैठते हैं जीवन तारा भवन में, वहीं आसपास तमाम मिनिस्ट्रीज हैं, तमाम वो हैं, तो एक साथी, उनके साथ काफ़ी लंबी सारी डिस्कस हुई जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हैं, और उन्होंने एक सीनियर ऑफिसर से भी हमारी बात कराई है। तो ये जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून है, इसमें जो केंद्रीय डेटाबेस बनाने की बात है, उसको लेकर के मिनिस्ट्री में चर्चा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, और ये केंद्रीय डेटाबेस वाली जो बात है ये जल्दी ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो तमाम स्टेट्स अपने यहाँ, अपने अपने राज्यों में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत सक्षम प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी, सक्षम कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जिनको हम कहते हैं, वो बनाना आरंभ कर देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। जल्दी ही उनसे भौतिक मीटिंग हो जाएगी अगले हफ्ते तक, तो एक बड़ी सूचना है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हम तमाम लोगों के लिए एक राहत की खबर होगी। लेकिन दोस्तों, ये होगा तभी जब आप लोग लगातार प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, एकजुट होंगे। अकेले अकेले लड़ने से ये संभव नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं होगा। सरकार इसको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर के। राज्य सरकारें भी उदासीन हैं, 1-2 स्टेट चाहते हैं कि ये कानून लागू हो, बाकी जो देश के ज्यादातर स्टेट हैं वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ ये कानून लागू हो। चूंकि ये जितने भी ठगी प्रकरण हैं, चाहे वो बाइक बोट का हो, हेलो टैक्सी का हो, टॉप राइड का हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का हो, आदर्श का हो, PACL का हो, सहारा का हो, KBCL का हो, JKB का हो, किसान एग्रोटेक का हो, ये सारे के सारे स्कैम कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए हैं। और यदि इन स्कैम्स की जांच CBI करती है या इस कानून के तहत स्पेशल अथॉरिटीज बनती हैं, तो ये तमाम लोग कानून की गिरफ्त में आएंगे और इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम ठगों की, ठगों के आकाओं की, ठगों के दलालों की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेंगी। इस भय से भयभीत होकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करने के लिए गंभीर नहीं है। वो तभी गंभीर होंगी जब हम तमाम लोग एक साथ जुड़ जाएंगे और इसको लेकर के दिन रात हल्ला मचाएंगे। सड़कों पर भी जब सड़क पर आह्वान हो कि आज सड़क पर हल्ला मचाना है, तो सड़क पर हल्ला मचाएं, और जब आह्वान हो कि हमें सोशल मीडिया पर इसको लेकर के अभियान चलाना है, तो सोशल मीडिया पर हम लोग सक्रिय हों। दोस्तों, फिलहाल आपको एक तो हमारा जो ये न्यूज चैनल है युगांतर न्यूज, इसे आप तमाम लोगों को सब्सक्राइब करना है। हमारा जो ट्विटर हैंडल है, जिससे हम ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं, #  अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, पहले भुगतान फिर मतदान, इन दोनों #  को आपको वायरल करना है। और इसको वायरल करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप तमाम लोग @ युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल को
फॉलो करें युगांतर न्यूज यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें जो हमारा फेसबुक पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का, उसको ज्वाइन करें। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तभी आप इन चीजों को वायरल करने में सहयोग दे सकेंगे, अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे। ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसे करो तमाम लोग। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, उसी का असर ये है कि तमाम स्टेट एजेंसीज, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज सक्रिय हैं, आपकी वार्ताओं पर ध्यान दे रही हैं, आपकी जो ये अभियान चल रहा है इसको फॉलो किया जा रहा है सरकारी एजेंसीज द्वारा भी, और इस पर काम चल रहा है निरंतर। ये काम स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अब चालू हो चुका है, और 1 जनवरी 2022 को जब आप सड़कों पर उतरेंगे, मैं समझता हूं कि सड़कों पर उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं और ये करने लगते हैं, और तमाम लोग हमारे इस ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ जाते हैं। हमारी मेंबरशिप लाखों लोगों की हो जाती है, लाखों लोग मेंबर बन जाते हैं विधिक रूप से, कानूनी रूप से, तो शायद हमें सड़कों पर उतरने की जरूरत भी ना पड़े। उससे पहले ही मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारें इस कानून को लागू कर दें, स्पेशल कोर्ट बन जाएं, स्पीडी ट्रायल होने लगे और आपका पैसा आपको सबको वापस मिल जाए। तो इसलिए मैं बार बार आप तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि ये दो काम आप अवश्य कर लो। एक तो विधिवत रूप से फीस देकर के तमाम साथी ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के मेंबर बन जाएं, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, कठिन लड़ाई है, उलझी हुई लड़ाई है, बिना पैसे के भी इसको हम लड़ नहीं पा रहे। चूंकि न तो जन है हमारे पास, इतनी संख्या बल भी नहीं है कि हम तमाम पार्लियामेंट्स को घेर लें, असेंबलीज को घेर लें, सरकारों को घेर लें और उनको बाध्य कर दें कि वो इस कानून को लागू करें, और इतना पैसा भी नहीं है कि हम बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों को हायर करें और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तमाम राज्यों को तलब करवा लें और सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश पारित करा लें। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आजकल ज्यादा वैल्यू भी नहीं रही है, चूंकि सरकारें मानती नहीं है जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश आप देख रहे हैं, पीएसीएल के मामले में 2016 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश धूल फांक रहा है, आज तक पीएसीएल के लोगों के पैसे वापस नहीं मिले। सहारा वाले 2012 से धक्के खा रहे हैं, 2012 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था सबका धन वापसी करने का, लेकिन सहारा ने धन भी वापस नहीं किया, उल्टा जो है उसकी ठग स्कीम आज भी चालू है। तो हमें इसके लिए जितना संख्या बल चाहिए, जितना पैसा चाहिए, वो तभी मिलेगा जब बहुत सारे ठगी पीड़ित भाई बहन हमारे इस मिशन के साथ जुड़ेंगे और वो विधिवत फीस देकर के मेंबरशिप लेंगे, तो हमारे पास धन भी होगा, जनता भी होगी और हम इस काम को आसानी से करा लेंगे। और जब ये काम हो जाएगा तो आपकी ठगी हुई रकम, जो आपकी मेहनत की कमाई आपसे ठगों ने हड़प ली है, वो आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल जाएगी। आप तमाम लोग गंभीर हो जाएं, अब बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई ये नहीं रही है। इस लड़ाई को जीतने के लिए, अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए तमाम साथी एकजुट हो जाएं। चूंकि सरकारें जो अभी कर रही हैं वो कोई बेहतर काम नहीं कर रही हैं, जैसा कि आज ही ये जो नोएडा में गोवे प्रकरण था अनिल सेन और मीनू सेन वाला, जिसमें 17,000 लोगों के साथ लगभग ठगी हुई, बाइक के नाम पर ही प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर बाकायदा प्रधानमंत्री का नाम इस स्कीम का छाप करके उसने ठगी की, उस मामले में 2 साल बाद जाकर के कहीं अनिल सेन और मीनू सेन की गिरफ्तारी हुई बड़ी मुश्किलों से, और आज उसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया है। जबकि मैं तो बार बार योगी जी से कहता हूं कि आप गैंगस्टर पैंगस्टर मत लगाओ कुछ भी, सीधे सीधे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमे दर्ज कराओ, स्पेशल कोर्ट बनाओ, स्पीडी ट्रायल कराओ, ताकि लोगों का पैसा वापस मिले। ये जितने भी एक्ट हैं, चाहे वो गैंगस्टर एक्ट हो, चाहे वो 400 BC का एक्ट हो, चाहे वो IPC 1860 का हो, चाहे वो 406 हो, 419 हो, 470 हो, 468 हो, ये बहुत लंबे प्रोसीजर वाले एक्ट हैं। जब हमारे देश में हमारे हर राज्य के पास ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 उपलब्ध है, इसके तहत राज्य कार्यवाही कर सकते हैं, तो इसी एक्ट के तहत सीधे सीधे कार्यवाही करें और लोगों का पैसा वापस करें, ताकि लोग आत्महत्या करने के लिए विवश ना हों।
रोजाना 10-20 लोग आत्महत्या कर लेते हैं ठगी पीड़ित। लेकिन हमारी इस मांग को, इतनी सीरियस मांग को भी न योगी सरकार सुनती है, न दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुनती है, न कोई और सरकार सुनती है। तो इसको लेकर के हमें अब गंभीरता पूर्वक आंदोलन चलाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और सड़कों के माध्यम से भी। तो इसके लिए तमाम साथी हमारे यूनियन के साथ जुड़ें, हमारे ट्विटर हैंडल पर जुड़ें, हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, ताकि इस लड़ाई को और तेज गति दी जा सके और जल्दी से जल्दी आपको राहत दिलवाई जा सके। दोस्तों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैटर में हम 2-3 दिन के अंदर अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि उस FIR में जो 651/2020 22 दिसंबर को दर्ज हुई थाना वेलकम दिल्ली में, उसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को चिन्हित किया गया है, बाकायदा उसका जो है जिक्र किया गया है। तो उस FIR में ये कानून, मैं समझता हूँ, देश भर में सबसे पहले लागू हो जाएगा। उसके लिए इसी हफ्ते हम 2-3 दिन के अंदर अंदर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं और उनसे अनुरोध करके इस कानून को, इस FIR में लागू करवाएंगे इसकी धाराओं को, और दिल्ली के अंदर सबसे पहले स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करवाने में हम सफल हो जाएंगे। दोस्तों, किसी भी साथी को ये तनाव नहीं लेना चाहिए जिनकी भी पैसा किसी भी ठगी स्कैम में डूबा है, कि उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, तमाम साथियों का पैसा वापस मिलेगा। जो भी साथी कानूनी कार्रवाई करेंगे या हमारी यूनियन की मेंबरशिप लेंगे, उन तमाम साथियों का पैसा मैं ब्याज के मैं जुर्माने के वापस मिलेगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। आप तमाम साथी जिन्होंने भी अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, यूनियन की मेंबरशिप नहीं ली है, वो तमाम लोग यूनियन की मेंबरशिप ले लें, अपनी कानूनी कार्रवाई को कंप्लीट करवाएं। और इसके साथ साथ मैं अपील दूसरे साथियों से भी करना चाहता हूं, जिनको हमसे थोड़ा सा एलर्जी है या जिन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां जो है खतरे में लगती हैं, कि यदि हम ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़े या ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़े तो हमारी रोजी रोटी पे या नेतागिरी पे कहीं असर पड़ेगा, तो वो उन साथियों से भी अनुरोध है कि वो जहां भी FIR दर्ज कराएं या जहां भी मेमोरेंडम वगैरह दें, वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत FIR दर्ज करने की मांग करें। ये हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ी ये लड़ाई नहीं है, ये होने जा रहा है। इसलिए मैं आप तमाम साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी तनाव नहीं लेगा, भयमुक्त होकर के अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे और यूनियन के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।